हाँ बेटा, बोल। सब बढ़िया? अच्छा, अरे तो तू क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं बोल दूंगी तेरे भाई को। ठीक है, और सुना? अच्छा, चल बढ़िया है। हाँ चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तेरी भाभी है ना, कुछ पूछ रही है। हाँ तेरी भाभी ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ बोल बहू। वो मम्मी जी, मैं पूछ रही थी, बैंगन रखे हैं तो बैंगन का भरता बनाऊँ या आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँ? तो ऐसा कर, तो आलू बैंगन ही बना ले। और हाँ देख लेना, अगर रखी हो ना मूली तो आधी मूली डाल देना उसमें। मम्मी जी, दीदी का इस वक्त फोन आया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस वो है ना, कह रही थी थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे देना। मैंने बोल दिया हाँ मैं दे दूंगी। कितने पैसों की ज़रूरत है? यही 3.5-4 लाख रुपए, घर में काम चल रहा है ना उनके, पड़ गई होगी ज़रूरत। वैसे मम्मी बात तो ये बिल्कुल सही है, घर में एक बार मिस्त्री या प्लम्बर घुस जाए, पैसे कितने जाएंगे कुछ नहीं पता होता। हाँ वो गुड्डू आए ना तो उसको बोल देना, मैं चेक साइन करके दे दूंगी, वो निकलवा लाएगा पैसे। ठीक है मम्मी जी, बोल दूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, काम हो गया तेरा? हाँ हो गया, बस कपड़ों की तह बनानी रह गई थी। ऐसा है, एक बार है ना मेरे साथ बाजार चल देना, मुझे है ना कुछ सामान लेकर आना है। बाजार चलना है? पर क्यों? अरे मेरी भाभी का फोन आया था, वो अपना है ना 60वां जन्मदिन मना रही है। बच्चे जिद कर रहे होंगे कि मम्मी मना लो मना लो, अब वो बोली है कि चलो मना लेते हैं, तो वो सबको बुला रही है। अब मैं ऐसे जाऊंगी तो ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा, मैं सोच रही हूँ उसके लिए ना कुछ सामान लेती जाऊँ। अब घर में तो कुछ ऐसा रखा नहीं है जो उसे दे दूँ, तू बता क्या देना चाहिए मुझे? मम्मी जी मैं क्या बताऊँ इसमें, आप ही सोच लो कुछ, कोई गोल्ड की चीज़ दे दो। ना भाई, सोने की चीज़ मेरे बस का नहीं है, इतना बजट नहीं है मेरा। तो मम्मी ऐसा करो, आप है ना अच्छी सी पायल दे दो और बिछुए दे दो, या फिर बिछुए ना मेरे पास रखे हैं, वो गई थी ना चाची के यहाँ भाई की शादी में, उन्होंने दिए थे पायल, और तो मैंने पहन ली थी, बिछुए रखे हुए हैं, बहुत सुंदर हैं वो, आप है ना उन्हें दे देना। हाँ दिखाए तो थे तूने, वो भी ठीक ठाक है, अच्छे लगेंगे वो। और मैं ऐसा करती हूँ, एक साड़ी ले आऊँगी अच्छी सी और भाई का एक जोड़ा कर दूंगी, और या फिर हाँ साड़ी भी रखी है मम्मी मेरे पास, वो है ना दो एक जैसी सी हो गई थी तो मैंने तैयार नहीं करवाई, आप है ना वो साड़ी दे देना। जो राखी पे मिली थी तुझे, वही कह रही है ना? हाँ हाँ वही वही वही, हाँ वो अच्छी है साड़ी, साड़ी भी वही चल जाएगी। तो ऐसा कर, चल बाजार चल, पायल तो ले आए हम। ठीक है मम्मी, मैं बस अभी आई। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी आपको मेरे बर्थडे पे आना है, भूल मत जाना। आपको एक दिन पहले आना है, पूजा की तैयारी भी करवानी है, मेरे बर्थडे की भी करानी है, और वो मेरे को बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे। अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊंगी। और मौसी जी और सबको भी साथ लेके आना। ठीक है, उनको भी ले आऊंगी। ठीक है, बाय बाय। बाय। तेरी बहन का फोन था? हाँ जी मम्मी जी, वो उसका बर्थडे है ना तो उसी पे बुलाने के लिए कह रही थी सबको लेके आना। ये क्या तरीका हुआ बुलाने का? ये बातें तेरी माँ को करनी चाहिए थी, उसे कहना चाहिए था कि आना है। मम्मी जी उनका भी आ जाएगा फोन, वो बच्ची है, उसने बोल दिया अपने ढंग से, पर इतनी भी बच्ची नहीं रह रही है, शादी लायक हो रही है। बहू बुरा मत मानना, वैसे तेरे मायके वालों को ना बुलावा देना आता ही नहीं है। क्यों मम्मी जी, और कैसे बुलावा दिया जाता है? हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे आपके मायके वाले आपको बुलावा देते हैं। बुरा मत मानना मम्मी जी आप भी, वैसे
जब मामी जी के जन्मदिन पे बुलाने के लिए फोन आया था तो क्या उन्होंने सबको अलग अलग करके बुलाया था? नहीं ना, मामी जी ने सिर्फ आपको ही बोल दिया था ना। चलो फिर भी मेरे यहाँ से मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, सबका अलग अलग करके फोन तो आता है, पर आपके यहाँ से तो आपके मायके वालों ने कभी एक बार भी मुझसे अलग से कही है कि बहू तुझे भी आना है? पर मैंने तो कभी बुरा नहीं माना इस बात का। हाँ तो बड़ों की बातें तो बड़ों से ही कही जाएंगी ना। अरे बड़ों को ही सबसे पहले बुलावा दिया जाता है। हाँ तो मैंने कब मना किया है? अरे वो बच्ची है, उसने अपने हिसाब से कह दिया। और वैसे भी आपको स्पेशल फोन करते ही है ना मम्मी पापा, स्पेशल बुलाते हैं ना आपको। देख लेना आ जाएगा उनका फोन भी। वो मम्मी जी मुझे बाजार जाना है, आप चल दो भी साथ में। बाजार क्यों? अरे वो बताया था ना मैंने कि गुड़िया का जन्मदिन है, तो उसी के लिए कुछ सामान लाने की सोच रही थी। क्या लेकर आएगी? सोच रही हूँ उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊँ और एक वॉच ले आऊँ अच्छी सी। बहू कुछ है ना, अपने घर के बारे में भी सोच लिया कर, यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं उग रहा है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? ऐसा है लिफाफा दे देना, उसी में कुछ पैसे मिलाकर ले आएगी अपनी पसंद की चीज। मम्मी जी लिफाफा? लिफाफा देते अच्छी लगूंगी क्या? ऐसा है मैं अपने आप ही देख कर ले आऊंगी कुछ अच्छा सा। तूने पूछ लिया गुड्डू से इस बारे में कि क्या लेकर आना है क्या नहीं? अरे आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए। नहीं अभी नहीं बताया मैंने, आकर बता दूंगी। आकर क्या बताएगी, पहले बताकर जाना उसे, उससे पूछ कर लेके आना चीज। आप गई थी पापा जी को बताकर? बताओ मम्मी जी। बहू कहना क्या चाहती है तू? यही, जब मामी का बर्थडे था, जब आप उनके जन्मदिन के लिए पायल लेकर गई थी, तब आप पूछ कर गई थी पापा जी से? बहू माफ करना मम्मी जी, मैं आपसे ऐसे बोलना तो नहीं चाह रही थी, पर आपने है ना ऐसा बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया। आप मामी के बर्थडे पे जाने के लिए कितनी खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी। मैंने अपनी पसंद की साड़ी बिछुए उनको देने के लिए मैंने यूं ही निकाल दिए, क्योंकि मैं आपको, उनको, इस घर को अपना मानती हूँ। आपने मामी को इतनी महंगी पायल दी, आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपनी बेटी के लिए 3-4 लाख रुपए आपने यूं ही निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है, इनकी बहन है। अरे छोटी भी तो मेरी बहन है, क्या मैं उसके लिए कुछ करने की नहीं सोच सकती? मम्मी जी आपने मुझसे बात बातों में कितनी बार बोल दिया कि बहू तेरा तो मायके से मोह छूटता ही नहीं है। एक बात बताओ मम्मी जी, आपका तो अभी तक नहीं छूटा, मेरा अभी से छूट जाए? जो बात आप ये मुझसे बोलती हो बार बार, एक बार भी अपनी बेटी को बोलकर दिखाओ तो सही। आपका मायका मायका, आपकी बेटी का मायका मायका, और मेरा मायका कुछ भी नहीं। मम्मी जी मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी, उसके लिए ना मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर ये बात है ना बिल्कुल सही है। कुछ ससुराल वालों के लिए बहू इसलिए बुरी बन जाती है कि वो अपने मायके की तरफ झुकती है, पर एक बार ये सवाल खुद की बेटी पर, अपने आप पर उठाकर तो देखें, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।